हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस वाई डिवोशन में। है ना, तो हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी यानी एपी क्लास टेंथ का एनसीईआरटी बुक्स हम लोग चल रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्या देख रहे हैं 5.3। प्रश्नावली 5.3 का देख रहे हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन तक हमने प्रश्नावली 5.3 का देख लिए थे। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना आपका क्वेश्चन ये आपका देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, है ना। उदाहरण था कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि। इसी प्रकार से 12th तक की चलता रहेगा, 12th तक मैंने पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो कह रहे हैं कि इस स्कूल विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि विद्यार्थी ने कुल कितना पेड़ लगाया। चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में अनुभाग की संख्या कितनी है, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग की संख्या, बराबर कितना है, प्रत्येक अनुभाग 3, है ना। अब क्या करेंगे, कक्षा वन में लगाए गए पेड़ की संख्या, तो कक्षा वन में क्या कि हमें जौन कक्षा का रहेगा उतने ही पेड़ लगाना, यानी कक्षा वन का है तो 1 पेड़ सब लगाएंगे, कक्षा 2 का रहेगा तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का रहेगा तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा रहेगा 4 का क्या लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है। यानी जौन कक्षा का है उतना पेड़ लगाना है, और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी क्या कहना है कुछ इसको, प्रत्येक कक्षा को 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है। जैसे है ना, रहता है अगर किसी ज़्यादा बच्चा कोई क्लास में या कोई कक्षा में ज़्यादा बच्चा रहता है तो उसमें क्या करते हैं, है ना, 20-20 को क्या करते हैं, उसको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी करके 3 अनुभाग में बांट दिया गया है ना, 20 बच्चा जाएगा रमेश के साथ, 20 बच्चा जाएगा सुरेश के पास, है ना, 20 बच्चा जाएगा रमेश के पास, मैंने ऐसे ही आपको 3 अनुभाग में उसको बांट दिया गया है ना, या 20 बच्चा क्या कीजिए लेकर पेड़ लगाइए, ठीक है। तो कहा कि प्रत्येक कक्षा में देखिए, तो एक कक्षा में तो एक पेड़ लागू करेगा, लेकिन ग्रुप के वो बना, ग्रुप कितना बना दिया गया है, तो कक्षा में हर कक्षा में 3-3 ग्रुप बनाए गए, ठीक है, 3 ग्रुप। तो कक्षा वन में सभी बच्चे एक ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसको क्या कह गया है, 3 अनुभाग में बांट दिया गया है ना, तो तीनों क्या करेगा, जो 3 अनुभाग हैं तो तीनों कितने पेड़ लगाएगा, एक ही पेड़ लगाएगा, ठीक है, एक ही पेड़, तो कितना पेड़ होगी, 3 पेड़ होंगे। अलग अलग कक्षा 2 में देखिए ना, तो कक्षा 2 में लगाए गए पेड़ की संख्या तो कक्षा 2 में कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन कक्षा में प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग, 3 दिन ग्रुप बना जाएंगे, ठीक है। तो देखा होगा इसमें कितने पेड़ लग गए, 6 पेड़ लग जाएगा, है ना। फिर देखेंगे इसकी कक्षा
तीन में लगाए गए क्या होगा कक्षा तीन में लगाए गए पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या देखिए तो कक्षा तीन में लगाए पेड़ की संख्या यानी कक्षा तीन में तीन पेड़ था कि जिस कक्षा में विद्यार्थी है उतना ही पेड़ लगाना है तो कक्षा तीन में तो तीन पेड़ लगाया और प्रत्येक कक्षा में कितने कितने ग्रुप हैं तीन तीन ग्रुप में बांट दिया गया नाइन पेड़ है ना। फिर इस तरह से क्या आपका होगा कक्षा फोर में लगाए गए पेड़ की संख्या देखिए तो कक्षा फोर यानी कक्षा फोर तो हो गया इसमें ग्रुप के बोल इनवर्ट है कितना का चार के बारे में इसी तरह से खाना बढ़ते बढ़ते कक्षा फोर कक्षा फाइव कक्षा सिक्स कक्षा सेवन है ना इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपका जाएगा कक्षा ट्वेल्व तक आ जाएगी कक्षा जाएगा आपका ट्वेल्थ यानी ग्यारहवीं कक्षा तक जाएगा तो कक्षा ट्वेल्व तक लगाए गए पेड़ की संख्या तो कक्षा बारह में है यानी बारह प्रश्न लगेगा करेगा लेकिन इसको कितना अनुभाग में बांट दिया गया तीन तीन अनुभाग में तीन तीन तो क्या कर दिया गया ग्रुप बना दिया गया ठीक है तो तीन कितना बांट दिया छत्तीस यानी कक्षा ट्वेल्थ के विद्यार्थी कितने पेड़ लगा देंगे छत्तीस प्रश्न मिलाकर ठीक है एक बच्चा नहीं एक बच्चा केवल बारह प्रश्न लगाया ठीक है और उसी कितना पेड़ लगाएगा छत्तीस तो देखना है आपको ये एपी में हो गया तो एपी में कितना हो गया जी तीन पेड़ शुरू हो गया छः नौ बारह डॉक्टर हो जाएगा आपका अंतिम चलेगा छत्तीस पेड़ ठीक है अब इसमें देखना आपको इसको क्या बोलते हैं ए वन ए क्या होता है ए टू ए क्या होता है ए थ्री ए क्या होता है ए फोर होता है इसको क्या बोलते हैं ए वन बोलते हैं अंतिम पद के तो इसमें हम देखना है कि ए यानी पार्थ पद कितना आ गया तीन आ गया ए डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी क्या होता है आपका ए टू माइनस का होगा ए वन डिग्री ए टू माइनस सिक्स ए वन का नाम कितना थ्री कितना छः में तीन का कितना बचेगा तेईस का बचेगा बचा का तीन ठीक है अब लेकिन आपको अंतिम पद दिया हुआ कितना ए वन का दिया हुआ है ए वन छत्तीस दिया हुआ है आपको लिखा क्या लिखा है ना और आपका ए बराबर भी दिया हुआ है एक कितना है अरे एक से लेकर बारह तक यानी बारह का अच्छा हो गया आपका इन बराबर बारह ही दिया था ट्वेल्थ का अच्छा नहीं इन बराबर बारह दिया है अगर अगर नहीं मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं ए एल से ए प्लस ए माइनस वाले डिग्री से निकाल सकते हैं देखिए यहाँ पर ए एल का मान कितना है छत्तीस यानी अंतिम में छत्तीस पेड़ ही लगा और सूर्य में कितना पेड़ लग गया सूर्य में तीन पेड़ लग गया प्लस ए का मान निकालना हमको है और डी का मान कितना होगा आपका कॉमन डिफरेंस तीन का है चलिए तो क्या करेंगे हम लोग छत्तीस आई एल क्या करेंगे ठीक कर दीजिए ए माइनस वन और यहाँ पर कितना आएगा आपका जी तीन है ठीक है तो छत्तीस में इसके लिए तीन कितना बचेगा तैतीस बचेगा ना और ये देखिए गुना क्या जाएगा भगा हुआ है तो ए माइनस क्या होगा वन होगा ठीक है चलिए कितना होगा छत्तीस यानी कितना होगा ग्यारह आइए माइनस में क्या हो जाएगा और इसमें भगवान जी तो ए तो इसीलिए आपका ए कितना आ गया बारह है यानी टोटल कितने कच्चे हैं बारह कच्चे तो एक गुना बारह लगेगा है ना हमको ये निकालना नहीं था ठीक है हमको ऐसे भी मान लगा था कि कक्षा बारह से कक्षा ट्वेल्थ तक है ठीक है तो एक मान बारह इन बारह कक्षा ट्वेल्थ यहाँ पर देखिए कुल पेड़ निकाल के अब हमको क्या निकालना है कुल पेड़ की संख्या यानी निकालना है एस एन है ना तो आंसर ए बाई टू टू ए टू ए नहीं क्योंकि हमको देखिए आप सॉल्व करने का मन कर रखा क्योंकि हमको अंतिम पद इसी को तो हम बोलते हैं एल ए एल या एल तो अंतिम पद कितना दिया हुआ छत्तीस तो क्या होगा आपका ए प्लस एल क्या होगा आपका ए प्लस एल और देखिए ए से यानी हमको निकालना है ग्राम पद यानी बारह पद भी निकालना है लेकिन ए का मान आपका क्या होगा बारह तो है आपका है ना तो ट्वेल्व अब क्या करेंगे ए तो ए का मान पद क्या है शुरू में तीन पर लगाया गया है और ए क्या होता है अंतिम पद यानी ब्रह्मी कक्षा अंतिम कक्षा कौन है ब्रह्मी कक्षा तो ब्रह्मी कक्षा में कितना पेड़ लगाए गए छत्तीस पे लगाया गया कितना होगा छः में कितना होगा बारह यानी छः अब इसको गुणा करेंगे ना तो जब छोटी कितना होगा आपका नाइन या कितना हो गया टी है ना
गुना कीजिए, तो 9 6 54 4 5 हो गया, हो गया ना 5, और 6 18 5, 8 5 8 5 13 कितना गया आपका 334। फिर 9 6 54 5 हो गया, और 6 18 5 8 5 13। टोटल पैसे कितना दिया आपका 234, यानी टोटल 234 पेड़ लगेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, कितने पेड़ लगते हैं 234। ठीक है, ए पर क्या हो गया आंसर। ठीक, हम लास्ट क्वेश्चन लीजिए इसका। ठीक है, फिर हम चलेंगे कि नंबर चलेंगे हम लोग इस पर चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। इसका चलिए हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, है ना, हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए बुक से जैसे पढ़ाते हैं आप, देखिए बुक से आपका है करंट में क्या बुक में कह रहा है कि करंटली केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए है आपको ये तो है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए और बी ले लिए है ना, फिर ए से फिर सी ले लेंगे इस तरीके से, फिर ए बी से फिर क्या ले लेंगे हम इस तरीके से डी ले लेंगे। ठीक है, करंट बारी बारी से केंद्र ए और बी से लेते हुए त्रिज्याएं 0.05 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर है ना, को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, एक स्पाइरल, इसमें क्या बोलते हैं स्पाइरल बना, एक सर्पिला का भाग बनाया गया है। तो कह रहा है कि जैसा कृति 5.4 में दर्शाया गया है, देखिए आपका यह आकृति है ना, ये आकृति है आपका, कह रहे 13, ये कितना क्रम होगा, जैसे जैसे भिड़ गई 13 वाले को लेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, यानी ये तुम्हारा है ना जो ये कितना भाग है, ऐसे घूमते जाएगा घूमते जाएगा, तो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त बनेगा कितना 13 बनेगा। ठीक है, तो कह रहा कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी, इस सर्पिल की तरफ कुल लंबाई कितनी होगी, चले देखते हैं आप। आपको देखना है पहले यहाँ पर कि हमको यहाँ से देखिए पढ़ दिया है, यहाँ से यहाँ दिया जी, यानी हमको पार्थिव त्रिज्या दिया हुआ कितना 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हमें दे दिया 0.5 सेंटीमीटर है ना, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अब जाएगा सी तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 1.0, यहाँ से दिया है ना। अब देखिए अपने यहीं से लेकर है ना, ये सेंटर है आपका है ना, अब सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना दे दिया आपको, यहाँ तक है ना, ये दे दिया त्रिज्या कितना आपका है 1.5 सेंटीमीटर है ना, ऐसे करते करते क्या होगा आपका आगे बढ़ से दिया है। ठीक है, फिर दे दिया आपका 1.5 हो गया, फिर दे दिया 2.0, ठीक है, कितना दिया आपका 2.0 दिया। ठीक है, इसका अगर त्रिज्या बढ़ रहा तो कह रहा कि ऐसा ऐसा सर्पिला का कितना बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, तो कह रहा कि 13 क्रमागत सर्पिला का है ना अर्धवृत्त का कुल लंबाई कितनी होती है, देखते हैं आप। लेकिन कि ये क्या है अर्धवृत्त है ना, तो भाई हम जाने एक वृत्त का परिमाप होता क्या है, देखते हैं आप। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा है ना, वृत्त का एक का वृत्त होता है इस व्यक्ति का सिलेंडर होता है, तो कह रहा कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर
ये हो गया पूरा ब्रीथ, आप इन्हें तुम्हारा चलेगा अर्थ ब्रीथ, जैसे यहाँ पर इस हुए बात यहाँ पर क्या हो गया अर्थ ब्रीथ हो गया है ना, इतना सेमी सर्किल हो गया आपका, तो अर्थ ब्रीथ सेमी सर्किल, इसको बोलते सर्किल से सेमी सर्किल, तो अर्थ ब्रीथ, अर्थ ब्रीथ का परिमाण, अर्थ ब्रीथ का परिमाण कितना हो जाएगा, तो अर्ध ब्रीथ का परिमाण कितना होगा देखिए, तो ये अर्ध के मतलब क्या होगा कि ब्रीथ का आधा, ये पूरा है तो पूरा ब्रीथ का स्पर्श आपके ऊपर होता है, तो अर्ध ब्रीथ यानी हम ब्रीथ को जब आधा कर देंगे तो इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा आधा ही होगा ना, दो से भाग लेंगे तो कर दिया, यानी हमको क्या कर दिया अर्ध ब्रीथ का परिमाप क्या कर दिया पाया, लेकिन होता है आपका पाया पर कितना हुआ होता ना, लेकिन ये सर पीड़ा का है ना, देखने की यहाँ से अगर यहाँ से फिर यहाँ बढ़ रहा है, इसी कारण से क्या करेंगे ना इसमें टू का टू आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, केवल खाली का चलेगा आपको पाया चलेगा, तो आप भी उसका परिवार कहता हूँ पाया ओके, अब इसमें क्या करना है आप जैसे यहाँ से यहाँ एक एलवन हो गया आपका है ना, तो लिखा रहेगा यहाँ पर एलवन एलवन को लेना, तो एलवन अर्धवृत्त, एलवन अर्धवृत्त का परिमाप यानी यहाँ से यहाँ एक बार बोला तो एलवन हो गया ना, तो एलवन अर्धवृत्त का परिमाप पर कितना हो जाए एक पाया तो है आपका, अब गुना यहाँ पर देखिए एलवन का मान, एलवन का एलवन जो अर्धवृत्त बना कितना त्रिज्या लेकर 0.5 त्रिज्या लेकर, यानी यहाँ हम क्या कर सकते हैं 0.5 कितना हमको आ गया 0.5 है, अब एल टू जो बना ये देखिए अब यहाँ से आया आपका यहाँ से क्या हो गया अगला है ना, ये एल टू हो ठीक है ये कितना लगा एल थ्री कितना एल टू, अब एल टू बना अब यहाँ से यहाँ आ गया तब लगेगा कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो गया, अब ये तुम्हारा क्या बन गया ये आपका बन गया अर्ध ब्रिज, क्या बन गया आपका अर्ध बन गया ठीक है, तो एल टू यहाँ हो जाएगा ठीक है, तो एल टू अर्ध ब्रिज दूसरा बना दो, तो एल टू अर्ध ब्रिज का एल टू अर्ध ब्रिज का परिमाण और कितना होगी बताना पाया था तो पाई गुणे आर का मान एल टू कितना है देखिए एल टू का मान कितना है यहाँ से चक्र है यहाँ से चक्र कितना है 1.0 यानी कितना गया आपका 1.05 अगेन एल टू का अब निकालेंगे एल थ्री अर्ध ब्रिज का तो एल थ्री अर्ध ब्रिज का परिमाप कितना होगा जी कितना होगा पाई गुना आर तो एल थ्री में देखो एल थ्री में एल थ्री कहाँ से कहाँ जाता है यहाँ से कहाँ जाता है ना तो एल थ्री कहाँ कहाँ से कहाँ जाता है देखिए अब यहाँ पर तो आपका हो गया यहाँ से यहाँ हो गया आपका एल वन का मान एल टू का मान हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक है ना अब एल थ्री है तो इसका भी तो मान होगा है ना इसको कहिए 2.0 इसको जीरो कीजिए अब यहाँ से यहाँ मान ठीक है यहाँ से यहाँ लेंगे तो इसका लेंगे यहाँ से है ना यहाँ तक लेंगे हम लोग मान तो इसका कितना है इसका कितना है एल से कितना 1.5 कितना है 1.5 सेंटीमीटर यानी इसका है कितना है 1.5 तो एल थ्री आएगा फिर कहाँ से आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा एन एल थ्री हो गया आपका तो एल थ्री यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका कितना त्रिज्या 1.5 त्रिज्या है ना तो एल थ्री कितना आएगा 1.5 यानी 1.55 हमको निकालना एल फोर चलिए करें तो एल फोर अर्ध ब्रिज का परिमाप एल फोर अर्ध ब्रिज का परिमाप कितना होगी पाई गुणे और देखिए एल फोर ये ना है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या टोटल क्या है एल फोर जो है इस सेंटर जब भी हम त्रिज्या मापेंगे सेंटर मापेंगे ना देखिए तो सेंटर में आपका ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितना आ गया 2.0 के बीच नहीं है या तो 2.0 ही है ठीक है तो कितना आ गया 2.0 और कितना आपका आ गया 2.05 ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाएगा जाएगा आपका एल तेरह तक कहाँ जाएगा जी एल तेरह अर्धवृत्त का परिमाप जाएगा ठीक है तो एल तेरह जाएगा अब देखिए
ये आपका क्या आ गया, एपी में आ गया, क्या आ गया, आप देखिए इसको एपी में क्या करते हैं, यहाँ प्रयोग करते हैं, चलिए इसको इसे पढ़ें, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका एपी में, हम इसको हम एपी में कन्वर्ट करते हैं, तो शुरू वाला मान कितना आ गया आपका 0.55, सेकेंड कितना आ गया है ना 1.05, थर्ड कितना आ गया 1.55 है ना, उसे क्या आ गया इनको 2.05, ऐसे करते करते कहाँ जाएगा आपका है ना, आगे चलेगा बढ़ते तेरह पद तक। अब हमें क्या करना आपको देखिए, यहाँ पर एक और कितना आ गया 0.55 आ गया ना, अब डी बराबर क्या होगा ए टू मार्च से हो, क्योंकि देखिए सब में पाइए ना, तो ए टू मार्च क्या होगा ए वन, तो ए टू मार्च सेवन हो गया, देखिए ए टू मार्च कितना 0.55 और मार्च सेवन कितना 0.55 है ना, ए टू क्या 1.05 और ए टू और ए वन कितना 0.55, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना है, अगर हम घटाते हैं तो 5 × 5 = 10, तो कितना आएगा 0.55 आएगा, यानी एक में से घटाएंगे 0.5 है ना, तो कितना आएगा आपको 0.5 मिलेगा। अब आपको एक नंबर कितना दे दिया है 13, यानी यहाँ कहाँ तक निकालना है ना, या फिर क्या निकालना है 13 और डिप्रेट कर निकालना है, ठीक है 13 क्रमागत बढ़ा है इसमें, इसमें क्वेश्चन बढ़ा सकते 13 क्रमागत अर्धवृत्त का परिमाप को कितना बढ़ा है, हम 13 दे दिया है, चलिए इसमें तो आपका है ना सबका मान दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं कैसे, यानी कैसे निकालेंगे, तो कितना सूत्र होगा एन बाई टू, हाँ इसमें अंतिम पद है देर एन कमांड इसमें दिया हुआ है कि एन कमांड नहीं दिया हुआ, यानी अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो सूत्र हम लगाएंगे बड़ा वाला टू ए प्लस एन माइनस वन में क्या होगा आपका यही तो होगा, हमको निकालना है एच तेरह यानी 13 पद का योग्य, तो कितना क्या हो गया 13/2 आगे 13/2 आ गया, अब कितना गया यहाँ पर देखिए, अब टू गुना एक कमांड कितना 0.55 ये है और प्लस एन कमांड कितना 13, तो 13 − 1 चलिए 13 − 1 और डी कमांड कितना आ गया डिफरेंस 0.5 कितना गया जी 0.55, अब क्या हमको निकालना है ना, अब हल करेंगे तो 13/2 कितना आ गया दोपहर ज़्यादा कितना 1.05 जो कि तो कितना पाएगा, तो जन्म इसी के एज कितना हो जाएगा 12 × 0.55 हाँ चलेंगे काम करते, तो 13/2 1 पाई क्योंकि लिखने के बाद क्या होगा 0 पॉइंट खत्म हो जाना, इसको बांट नहीं दे सकते हम, प्लस कितना होगा 12/7 = 6.05 ये ना पाएगा, तो कितना लग गया आपका, तो 13/2 है ना, अब क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर इसके बाद दशमलव बाद क्या होगा 0 पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, सारा बाद 0 पॉइंट खत्म, ये हो गया 6 पाई हो गया 1 पाई, 6 कितना हो गया 7 पाई हो गया, हो गया ना, अब इसको लेने की जरूरत नहीं है, जो गुना करते हैं आपको तो कितना होगा आपका, तो 13/2 × 7 × देखिए, अब 5 मान यहाँ पर लिखेंगे कि कितना होता है 22/7, तो 22/7 यहाँ पर लिख देना लिखेंगे, देखिए 7 से 11 हो गए 2 से 11 आ गया आपको कितना आ गया, तो 13 गुना कितना आ गया 11, आगे 4 गुना 11 आ गया, अब कितना आ गया 13 13, तो 3 3 = 4 एन कितना आ गया आपका टोटल 143 सेंटीमीटर है ना आ गया आपको, तो इसको जब आप 13 बार घुराएंगे तो टोटल का परिमाप अर्धवृत्त का कितना आ गया 143 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, ठीक है क्या हो गया आंसर हो गया है ना, जमीन है इसी तरह बनता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या लीजिए सुना है ना, उसको क्या कीजिएगा एक बार क्वेश्चन देख कर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं है ना अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और है ना लाइक कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का है ना इसका लाभ उठा सके, ठीक है, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन के साथ है ना 19 क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।